During its first month of trading, business had the following transactions. How much did the credit customer owe the business at the end of the month? क्या मतलब है? कहता है भाई पहला महीना है ट्रेडिंग का, सही, ये फॉलोइंग ट्रांजेक्शन है हमारे पास, सही है, पहले महीने में. हाउ मच डट क्रेडिट कस्टमर्स ओ एट द एंड ऑफ द मंथ. इसका मतलब हमें यहाँ पे एस एल सी ए बनाना है. अच्छा, हम इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं एस एल सी ए बनाए बगैर. कैसे? अगर आप देखें क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल से डेटर बढ़ता है या कम होता है? क्रेडिट सेल से डेटर बढ़ जाता है. और कैश सेल, मुझे बताओ कैश सेल का क्या सीन है? कैश सेल में ये होता है मेरे भाई कि कैश सेल तो उसमें आती नहीं है, सही है, क्योंकि हमने सेल की उसी वक्त पैसे आ गए, तो इसको जो है वो इग्नोर कर दें. और क्या, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, जब कस्टमर माल वापस देगा, रिटर्न इनवर्ट से डेटर बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, माइनस कर दें. कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, जब कस्टमर से पैसे आ जाएंगे तो क्या होगा, कैश कम हो जाएगा, ये भी माइनस कर दें. डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड से भी क्या होगा, डेटर कम हो जाएगा. तो अब बता दे भाई कितना बैलेंस रह गया, 16,000 में से 500, 14,100 और 650 माइनस कर दें तो एंड में बच रहा है 750. इसका मतलब हम अपने कस्टमर से कितने पैसे मांगते हैं, 750. तो ये आसान था, इसको एसएलसी बना के भी आप सॉल्व कर सकते.